स्वागत करता हूं आज एक बार आप सभी का फिर से रईस नर्सरी में। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो किसान भाइयों, जो मैं वैरायटी के पास में खड़ा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी गुलाब खास मैंगो की, और मैं आप लोगों को गुलाब खास से कुछ पके आम दिखाना चाह रहा हूँ और कलर भी दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आम का साइज़ है लमसम में 200-250 ग्राम 400 ग्राम साइज तक जो है इसका, आम 400 ग्राम तक जो है वजन में जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है। तो आप अगर कलर की बात करें तो बहुत ही अच्छा रेड कलर आया हुआ है और ये अभी पूरी तरीके से आम पके नहीं है लमसम में, अभी ये 20% मान के चलिए कच्चे ही आम हैं। और ये आप इधर वाल भी देख सकते हैं जो कि हरा है, इधर वाल पूरा रेड कलर आया है। किसी किसी आम पर पूरा ही रेड कलर आता है, किसी किसी पर हरा रहता है। अगर इसकी खुशबू की बात करें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है गुलाब की तरीके से, तो ऐसी ही खुशबू आती है। अगर ऐसी रंगीन वैरायटियां आप लोगों को अगर चाहिए तो हमारी नर्सरी में मिल जाएंगी, जो कि 100% ओरिजिनल हमारी नर्सरी में वैरायटियां आप लोगों को दी जाती हैं। तो इसी तरीके से अभी मैं आप लोगों को दूसरी भी वैरायटी दिखाने वाला हूँ जो कि मल्लिका मैंगो है। एक पूसा यूनिवर्सिटी की वैरायटी है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है और हर साल फल देने वाली वैरायटी है। तो चलते हैं अभी आप लोगों को वो भी वैरायटी दिखाते हैं और साइज भी दिखाते हैं। किसान साथियों, जो आप ये दूसरी वैरायटी देख पा रहे हैं हमारे हाथ में, ये जो है मल्लिका मैंगो है और ये जो है बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर बात करें इसकी साइज़ की तो साइज़ लमसम में इसका 1 kg तलक की जाता है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा साइज होता है लमसम में। आम का भी साइज़ है 500-600 ग्राम। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर इसकी कीपिंग क्वालिटी की बात करें तो मान के चलिए तोड़ने के बाद आप इसे 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि जो इसका अंदर का गूदा होता है वो बहुत ही टाइट और बहुत ही हार्ड होता है, आम वैरायटियों के जैसे नहीं होता। जैसे दशहरी होता है लंगड़ा होता है, जैसे कि उनके अंदर का जो गूदा होता है वो ढीला निकलता है, तो इस वैरायटी में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही टाइट होता है और ठोस होता है गूदा। तो ऐसी वैरायटी आप अपने पास मिल जाएंगे। आप इन वैरायटियों की फार्मिंग भी कर सकते हैं, बगीचे भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, ये सभी में हो जाएगा। और ये एक बौनी प्रजात की जो है वैरायटी है, छोटा ही रहता है पेड़। आप इसे हाई डेंसिटी में भी लगा सकते हैं, 10x10 पे कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलते हैं किसान भाइयों, अभी दूसरी वैरायटी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है अंबिका मैंगो। किसान साथियों, जो आप ये दूसरी वैरायटी देख पा रहे हैं हमारे हाथ में, ये अंबिका मैंगो है। आप इसका जो है कलर दिखा दीजिए पास से, कितना ही प्यारा कलर आया हुआ, जो कि पर्पल कलर में रहता है। अभी ऊपर से जो इसका शोल्डर जो होता है शोल्डर, तो इस पर जो है रेड भी कलर आता है, पकने के टाइम पे ये रेड कलर रहने लगता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको ब्राउन कलर बोलते हैं, तो वो ब्राउन कलर में जो है डार्क रेड कलर में रहता है। तो इस ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है और ये वैरायटी हमारे यहाँ की वैरायटी है जो कि CICH की है, रहमान खेड़ा की वैरायटी। तो बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं कि बताते हैं कि ये पूसा की वैरायटी है, ये पूसा यूनिवर्सिटी की वैरायटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि ये अरुणिका और अंबिका ये पूसा की वैरायटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूसा की वैरायटी नहीं है, ये जो है CICH की वैरायटी है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये भी एक बौनी प्रजात की वैरायटी है, आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, आप इसे जो है हाई डेंसिटी में जो है इसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देने वाली ये वैरायटी है। आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा लाभ होगा ये वैरायटी लगा के। तो जो आप ये दूसरी वैरायटी देख पा रहे हैं, ये टॉमी एटकिंस वैरायटी है और इस पर देख लीजिए हमने बहुत ही कम आम लिए हैं, जो कि ब्रांच के चक्कर में। अभी आम का साइज़ लमसम में 1 kg है, इसका साइज़ आप लोग देख पा रहे हैं कितना बड़ा आम है और दूसरा ऊपर भी लगा हुआ है। इसी तरीके से जो कलर की बात होती है तो वो कलर जो है धूपी से आता है, जो कि सूरज की लाइट पड़ती है, तो इस पर लाइट नहीं पड़ी है तो इस पर कलर नहीं आया हुआ है, जो कि आप पत्ते से पहचान सकते हैं। ये एक टॉमी एटकिंस की वैरायटी है, जो कि ये भी वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देने वाली है। कम जगह में भी आप इसे लगा सकते हैं, इसकी भी आप जो है हाई डेंसिटी में जो है फार्मिंग कर सकते हैं, आप इसे जो है गमले में भी लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली वैरायटी है। ये आप लोगों को जो है 3 साल में जो है वैरायटी जो है मान के चलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो चलते हैं किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।